नमस्कार, मैं आयुषी जोशी अचीव IAS द्वारा प्रस्तुत समसामयिक के विषयों पर आधारित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कलर कोडेड वेदर वार्निंग। बेसिकली व्हाट इज इट, कलर कोडेड वेदर वार्निंग है क्या और ये क्यों चर्चा में है, इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बारिश के लिए एक पीला मौसम चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सोलन और सिरमौर सहित मध्य पहाड़ियों के अलग अलग स्थानों में ओलावृष्टि के साथ आंधी चलने का अनुमान लगाया है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्यों है ये चर्चा में। ये रंग कोडित मौसम की चेतावनी के बारे में जानते हैं। यह देश की शीर्ष मौसम एजेंसी IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अर्थात भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इसका उद्देश्य गंभीर या खतरनाक मौसम से लोगों को सचेत करना है। इसमें नुकसान, व्यापक विघटन और जीवन के लिए खतरा नियमित अभ्यास के अनुसार हर दिन वेबसाइट में चेतावनी अपलोड की जाती है। वेबसाइट पर कलर कोडेड अलर्ट के साथ में चेतावनी के साथ जिलेवार बारिश का अनुमान पूर्वानुमान भी अपलोड किया जाता है और इसे रोज़ाना 3 बार अपडेट किया जाता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कलर कोडेड चेतावनी इसलिए इसे नाम दिया गया है क्योंकि कलर के द्वारा एक संकेत दिया जाता है। इसमें 4 रंगों को निर्धारित किया गया है, जिन 4 रंगों के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, लोगों को ये बताया जाता है कि इस रंग की चेतावनी होने पर किस तरह की आपको परिस्थितियों से या चेतावनियों से या सिचुएशन से इंगित करवाया जा रहा है या इंडिकेट किया जा रहा है आपको। आइए बात करते हैं IMD के बारे में। बेसिकली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। इसके अंतर्गत मौसम विज्ञान प्रेक्षण, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्यभार संभालने वाली प्रमुख एजेंसीज काम करती हैं। मौसम विज्ञान विभाग का जो मुख्यालय है वह अभी नई दिल्ली में है। इस विभाग के द्वारा भारत से लेकर अंटार्कटिका भर में सैकड़ों प्रेक्षण स्टेशन चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा हैं। मौसम विभाग की स्थापना सबसे पहले 1844 में पुणे में हुई थी। आपको बता देती हूँ अभी इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, जबकि जब इसकी स्थापना हुई थी 1844 में तब पुणे में हुई थी। अभी उसके बाद में 1875 में इसका नाम बदलकर मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान रख दिया गया। आइए बात करते हैं इन 4 रंगों के बारे में जिसके द्वारा ये मौसम विभाग हमें चेतावनी देने का कार्य करता है या लोगों को ये बताने का कार्य करता है कि कैसा है एट प्रेजेंट मौसम। तो चेतावनी की विभिन्न श्रेणियों को इंगित करने के लिए 4 रंग कोड जारी किए गए हैं। ये कोड कलर्स ये डिफाइन करते हैं कि एट प्रेजेंट आपके एरिया के अंदर कैसा मौसम है और किस तरह के मौसम की चेतावनी है। जैसा कि हमने अभी देखा कि हिमाचल प्रदेश में येलो कलर कोड जारी किया गया है। आइए अब देखते हैं कि बेसिकली इंडिविजुअली कलर के बारे में ये कलर क्या इंडिकेट करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लाल रंग के बारे में। तो लाल रंग का जो चेतावनी होती है उसके तहत ये बताया जाता है कि कार्यवाही करनी पड़ेगी, अर्थात बेहद ही खराब मौसम है, लोगों को खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए कार्यवाही करने की अत्यंत आवश्यकता है, व्यापक क्षति, यात्रा और बिजली व्यवधान और जीवन के लिए जोखिम की संभावना है, लोगों को खतरनाक क्षेत्रों से बचना चाहिए और आपातकालीन सेवाओं और स्थानीय अधिकारियों की सलाह का पालन करना चाहिए। लाल रंग बेहद ही खराब मौसम की उम्मीद होती है, जबकि इस एम्बर कलर के अंदर बेहद ही खराब मौसम की संभावनाएं बढ़ रही होती है, जो संभावित रूप से यात्रा में देरी, सड़क रेल बंद होने और बिजली आपूर्ति में रुकावट पैदा कर सकती है। अम्बर कलर का अर्थ है लोगों को योजनाओं
को बदलने और खुद को, अपने परिवार को, समुदाय को मौसम कार्यालय से पूर्वानुमान के आधार पर गंभीर मौसम के प्रभावों से बचने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है और जान माल का खतरा हो सकता है। अगला रंग है पीला रंग। पीला रंग ये कहता है कि अद्यतन किया जाए, मतलब अर्थात उसके ऊपर कार्य किया जाए, अगले कुछ दिनों में गंभीर रूप से खराब मौसम खराब होने की संभावना है। यात्रा की देरी और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को बाधित करने के बारे में आगे की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। यह बताता है कि अगले कुछ दिनों में मौसम बदल सकता है और खराब हो सकता है। अगला रंग है हरा रंग। इसके तहत कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है, मौसम की कोई गंभीर चेतावनी नहीं दी जाती है और कोई एडवाइजरी जारी नहीं की जा सकती है। अर्थात हरे रंग का सूचक एक बहुत ही सामान्य और अच्छा सूचक माना जाता है, जिसके तहत हमें किसी तरह की कोई चिंता या चेतावनी या डर की आवश्यकता नहीं है। इसके तहत मौसम बिल्कुल साफ है और बिल्कुल शांत है, हमें इसको लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और पीला रंग जो ये इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में, इन जस्ट फ्यू डेज, ये पॉसिबल है कि मौसम में कोई खराबी आए। तो अभी हाल में हमने जैसा कि चर्चा की थी, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में येलो कलर कोड की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के लिए एक पीला मौसम चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले दिनों में गंभीर रूप से बारिश की संभावना पैदा हो सकती है। तो ये था हमारा कलर कोड के बारे में एक सेक्शन, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कार्य करता है और इसके तहत हमें किस तरह की परिस्थितियों से लड़ने की या उन परिस्थितियों को समझने की सहायता मिलती है। इसी के साथ आज के इस सेशन को मैं यहीं एंड करूंगी और आगे कोशिश करूंगी कि इसी तरह के और भी अच्छे सेशंस मैं आपके लिए लेकर आऊं। धन्यवाद।